तो चलो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये कहता है कि रिगबर्ग कांस्टेंट जो होता है, जो हम डिराइव किए थ्योरेटिकल में डिराइव करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यार एक्चुअली रटने वाला सवाल है, बट फिर भी इसमें कुछ है नहीं। रिगबर्ग कांस्टेंट आप थ्योरेटिकल डेरिवेशन से देख लेना, उसमें जो रिगबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me और चार्ज की पावर 4 टाइम्स डिवाइडेड बाय 8 प्लैंक्स कांस्टेंट H की पावर Q और लाइट की स्पीड 3 और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ये जो होती है वही रिगबर्ग कांस्टेंट होती है जो हम थ्योरेटिकल में डिराइव करते हैं, ठीक है। अब इसमें जब ये जो देखोगे, अगर अच्छे से प्यारे बच्चों देखोगे, तो रिगबर्ग कांस्टेंट ये जो चीज़ है, ये इधर जितने भी सारी चीज़ें हैं, ये सारा वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो कुल मिला के रिगबर्ग जो है वो एक यूनिवर्सल एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये जो अभी हाइड्रोजन जो बोर थ्योरी थी उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, बी केयरफुल। तो रिगबर्ग कांस्टेंट जो हाइड्रोजन की बोर थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट आ जा रहा है, ठीक है। चलो तो अब इनमें अगर सभी का मैं मास रखूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10 की पावर, यहाँ से रिगबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो तुम रख दो, यहाँ पे सारी वैल्यू अगर रखोगे तो फाइनल सोल्यूशन जो मिलेगा वही इसको सॉल्व करने के बाद जो मिलेगा वही फाइनल सोल्यूशन है। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.31 × 10 की पावर -31, यहाँ से -31 आ जाएगा ना, -31 kg का स्क्वायर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.7 × 10 की पावर -19 की पावर 4 है, और डिवाइड कर दूँ 8 प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रख दो 6.64 × 10 की पावर -34, ठीक है। इन सब का क्यूब कर लो, लाइट की स्पीड रख दो 3 × 10 की पावर 8, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10 की पावर -12, तो ये का स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें जब रखोगे पूरा, तो ये जो चाइनीज़ मैगी है, ठीक है, ये जो चाइनीज़ मैगी है इतनी मतलब कॉम्प्लेक्स है जो कहानी है, तो वो 0.097 × 10 की पावर 7 पर मीटर आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका फाइनल सोल्यूशन है प्यारे बच्चों।